मेजरमेंट करने की बात की गई। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिसके अंतर्गत ये जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है, और वर्तमान में भारत की इसके अंतर्गत क्या स्थिति है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसको हम लोग आज देखते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो नीति आयोग, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपके पास जो वर्क हो रहा है वो नीति आयोग के अंतर्गत हम काम हो रहा है, तो नीति आयोग 2014 में इस्टेब्लिश संस्था है जो योजना आयोग के स्थान पर इस्टेब्लिश की गई थी, और इसने हाल ही के दिनों में भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। तो इस रिपोर्ट के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो 2015-16 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के आधारित रिपोर्ट तैयार की गई, और जिसके आधार पर रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में भारत में हर चार में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। मतलब क्या होता है, अगर हम चार व्यक्ति ए बी सी डी की बात करते हैं तो एक व्यक्ति उसमें से MPI का शिकार था, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का शिकार था। मतलब आज भी भारत में 25% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की जद में आता है, ठीक है। अर्थात ये इंडेक्स हमें बताता है कि भारत में 25.01% आबादी आज भी बहुआयामी गरीबी के का शिकार है, ठीक है। उसके पूर्व आपने देखा होगा कि 2100 कैलोरी का कॉन्सेप्ट एंड 2400 कैलोरी का कॉन्सेप्ट चलता था, ये एक प्रकार से पावर्टी ना करके एक प्रकार से हंगर इंडेक्स को बता रहा था, लेकिन आज हम यहां पर देख रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को इसमें समाहित किया गया है, और इसका तात्पर्य यही था कि हमने मनुष्य की आवश्यकताओं के विभिन्न आयामों को इसके अंतर्गत मेजरमेंट किया है। क्या उन सारे आयामों के अंतर्गत कार्य कोई व्यक्ति उनका उपभोग कर पा रहा है या प्रयोग कर पा रहा है या प्रयोग नहीं कर पा रहा, इन सारी बातों को इसमें अंतर्गत जानते हैं जाना जाता है। तो यही मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स होता है। अब प्रश्न बनता है कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कैसे मापा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय आय MPI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड के गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत और मजबूत कर प्रणाली का उपयोग करके तैयार किया गया था, ठीक है। तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में UNDP एंड ऑक्सफोर्ड ने संयुक्त रूप से इंडेक्स बनाया है और उसको स्वीकार किया गया है, और मानव विकास जो HDI इंडेक्स है इसके आधार पर भी इसको तैयार किया गया है। तो ये स्वीकृत है, विश्व स्तर पर स्वीकृत है जो आपने ये इंडेक्स बनाया था। वास्तव में इंडेक्स मनुष्य के जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को दिखाता है, बताता है, और उसके आधार पर इसे तैयार किया गया, और ये मजबूत कार्य प्रणाली का उपयोग करके तैयार किया गया था। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रदर्शन को कड़ाई से बेंचमार्क करने के लिए MPI की निगरानी तंत्र और कार्य प्रणाली का लाभ उठाने के उद्देश्य से इस सूचकांक को तैयार किया गया था। तो इस प्रकार मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू को इसके अंतर्गत इंक्लूडेड करते हुए पावर्टी को मेजरमेंट किया गया था, और ये एक स्टैंडर्ड मेथड से मेजरमेंट किया गया था, इसलिए इसे ये सूचकांक जो था ये विश्व स्तर पर सभी देशों द्वारा लगभग स्वीकार किया गया था। अब हमारे पास डेटा, करेंट डेटा की बात करते हैं, तो 2020-21 के लिए भारत का जो MPI था, मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स था, UNDP OPHI द्वारा शुरू किए गए 2021 के MPI ने दिखाई कि भारत की 27.9% आबादी बहुआयामी गरीबी का शिकार थी। यानी जो हम लोग अभी तक रिपोर्ट रखी जा रही थी कि नहीं भारत में पावर्टी डिक्लाइन कर रही थी, इसने एक प्रकार से नई रिपोर्ट हमें यह बता रही कि नहीं, भारत में जो पावर्टी है अभी भी बहुत ज्यादा है, और जो एक हमारे पास एक परिवार के लिए आवश्यक वस्तुएं या आवश्यक चीजों की पहुंच है वो अभी तक नहीं हो पाई। इस सूचकांक के अंतर्गत 109 देशों में भारत का स्थान 62वां स्थान रखा गया है, ठीक है।
पर्याप्त पोषण, देखिए इसमें पहली बार न्यूट्रिशनल वैल्यू को, पोषण, बेहतर पेयजल की कमी, कम से कम 6 साल की स्कूली शिक्षा और 10 संकेतकों के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। तो MPI इंडेक्स में लगभग लगभग सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ से जुड़े हुए 10 सूचकांकों के आधार पर MPI इंडेक्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। रिपोर्ट में शहरों में प्रतिदिन 47 रुपए से कम खर्च करने वाले और गांवों में 32 रुपए से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया है। ठीक है, पहले इसका देखिए, ये हर साल एक्सपेंडिचर बेस पर अर्थशास्त्रियों के कमेटी होती है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट रखती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट एक दिन की लिए कितना हमको एक्सपेंडिचर चाहिए। तो उसके आधार पर प्राप्त हुआ कि अगर अर्बन सेक्टर में 47 रुपीज से कम में पर डे कोई व्यक्ति खर्च अपना चला रहा है, ठीक है, और वहीं पर अगर आपका रूरल सेक्टर में 32 रुपीज से कम में अगर वो अपना खर्च चला रहा है तो इसे हम गरीबी के अंतर्गत मेजरमेंट करेंगे। MPI को मापने के इस दृष्टिकोण को नीति आयोग ने छोड़ दिया था। पहले देखिए एक्सपेंडिचर बेस पे हमारे पावर्टी इंडेक्स को मेजरमेंट किया जाता था, लेकिन बाद में जब इसे MPI को मापा गया तब से इस दृष्टिकोण को, एक्सपेंडिचर दृष्टिकोण को छोड़ा गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं MPI की, मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत 3 डायमेंशंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयाम थे उसको इसके अंतर्गत लाया गया, और वो थे, सबसे पहले आपका था शिक्षा, दूसरा था स्वास्थ्य और तीसरा था जीवन स्तर। यानी ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को इसके अंतर्गत रखा गया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स के अंतर्गत वो कौन कौन से डायमेंशंस हैं, ठीक है, उनको आपको एग्जाम में पूछा जा सकता, तो ये जरूर आप इसको नोट रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये इंडेक्स कौन रेडी करता है। ठीक है, तीसरा इंडेक्स आपका प्रश्न इसमें बनता है कि भारत की इसमें रैंक क्या है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको जरूर आप देखिएगा। प्रत्येक आयाम का सूचकांक में 1/3 भाग होता है, 1/3 भार होता है, मतलब तीनों को 1/3 इसको वेटेज दिया गया, 1/3 आपका स्वास्थ्य का वेटेज दिया गया। इस प्रकार ये तीनों आयामों को सूचकांक में 1/3 भार दिया गया और आयाम के 12 खंडों में शामिल है। 12 खंडों में जो आपके कई डायमेंशन में पावर्टी है उसके अंतर्गत शामिल क्या है, पोषण, प्रसव पूर्व देखभाल, बाल और किशोर मृत्यु दर, स्कूल में उपस्थिति, स्कूल के शिक्षा के वर्ष, खाना पकाने का ईंधन, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बिजली, बैंक खाते और संपत्ति। तो इस प्रकार 1/3 के अंतर्गत तो ये तीनों इंडेक्स आ गए आपके, ये तीनों शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और अन्य जो आपके पास इंडेक्स बचे ये 12 में से, ये सारे रेस्ट आप पार्ट में चले गए। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो आपका मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स था वो लाइफ के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जोड़ करके पावर्टी मेजरमेंट के लिए उठाया गया। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है। तथ्य क्या बन जाता है आपका कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 12 जो आपके पास खंड है, जो ये 12 वेरिएबल्स हैं, 12 डायमेंशन है जिसके आधार पर मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स को मेजरमेंट किया जाता है। और ये मल्टी डायमेंशन पावर जो इंडेक्स है ये आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पहलुओं को UNDP ने इसके अंतर्गत इंक्लूड किया है और जिसके आधार पर पावर्टी को वर्तमान में मेजरमेंट किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो मैं एक बार जस्ट इसको रिपीट कर देता हूं कि मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स के अंतर्गत आपका ये जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर रिपोर्ट रेडी किया जाता है और ये बताता है कि भारत में आज भी लगभग हर चौथा व्यक्ति पावर्टी के अंतर्गत आता है, अर्थात भारत में आज भी 25-27% लोग मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स के अंतर्गत हैं। और इसके अंतर्गत कई डायमेंशन को इंक्लूड किया गया, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक्सपेंडिचर बेस पे, कैलोरी कंजप्शन के बेस पे पावर्टी को मेजरमेंट करते थे, अब उसको छोड़ करके UNDP के हेल्प से और ऑक्सफोर्ड तथा मानव विकास को जो OPHI के द्वारा विकसित विश्व स्तर का जो आपका इंडेक्स है उसके आधार पर इसको रेडी किया गया है। और भारत के इसके आधार पर भारत की जो पावर्टी है 2021
2021 में 27% आबादी को पॉवर्टी के अंतर्गत दिखाया गया। ठीक है, इस सूचकांक में 109 देशों में भारत का स्थान 62वां स्थान था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बन जाता है। और इसके अंतर्गत जो पोषण, बेहतर पेयजल और कम से कम 6 साल की स्कूली शिक्षा जैसे 10 संकेतकों के आधार पर यह सूचकांक रेडी किया गया। ठीक, तो पहले आपका एक्सपेंडिचर बेस पे पॉवर्टी इंडेक्स चलता था, अब उसको छोड़ करके ये जो हमारे पास MPI था इसके अंतर्गत 1/3 केवल वेटेज इन 3 वेरिएबल्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को इसमें सम्मिलित किया गया, और जिसके आधार पर मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को मीजरमेंट किया गया, और उसके आधार पर ये गरीबी मीजरमेंट की एक नई श्रृंखला को करेंट इकोनॉमी के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट तथ्य था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं, श्रम मंत्रालय ने आधार वर्ष चेंज किया है। ठीक है, आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक दो आपका आपका जो वेज रेट इंडेक्स की एक नई श्रृंखला जारी की है, इस पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो आपका जो श्रम मंत्रालय है, देखिए आधार वर्ष 2016 के साथ इन्होंने काम करना चालू कर दिया, तो श्रम ब्यूरो द्वारा मजदूरी दर सूचकांक जिसे वेज रेट इंडेक्स कहते हैं का संकलन और रखरखाव किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि मजदूरी दर सूचकांक जो होता है WRI, ठीक है, WRI इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये श्रम मंत्रालय द्वारा या श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। अब इसका जो बेस ईयर क्या मान लिया गया, ये बेस ईयर 2016 को माना गया है, और इसका वेट रखा गया है 100, जिसके आधार पर मजदूरी का डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, और पुरानी श्रृंखला का जो आधार वर्ष जो पहले चल रहा था 1963-65 उसको अब बदलने करके 2016 कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर आधार वर्ष क्यों बदला जाता है, तो केंद्र सरकार समय समय पर प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन करती है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि अगर आधार वर्ष में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसके कारण वर्तमान जो आर्थिक स्थिति होती है उसके आधार पर आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगते हैं, तो इसलिए आधार वर्ष में कहीं ना कहीं परिवर्तन किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव को दर्शाया जा सके, क्योंकि प्रेजेंट इकोनॉमी की जो डिमांड है या प्रेजेंट इकोनॉमी में जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जा सके, इसलिए आधार वर्ष में परिवर्तन किया जाता है। श्रमिकों के वेतन पैटर्न को कैप्चर किया जा सके कि करंट स्तर पर कितना हम डीए दे सकें, कितना अन्य अलाउंसेस दे सके ताकि उसका जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल किया जा सके। इस बार कवरेज बढ़ाने और सूचकांक को अधिक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि की सिफारिश पर WRI का आधार वर्ष में संशोधन किया गया और जिसे 2016 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है, इससे मजदूरों की मजदूरी अपग्रेड होगी और वर्तमान इंडेक्स के आधार पर उनको मजदूरी प्रोवाइड की जाएगी, तो जो वास्तव में पॉवर्टी पर अटैक करने का एक अच्छा तरीका भी माना जा सकता है। नई श्रृंखला का महत्व क्या है, WRI की नई श्रृंखला ने उद्योग की संख्या, चयनित उद्योगों के तहत व्यवसाय, नमूना आकार, उद्योगों के भार आदि के मामले में दायरा और कवरेज बढ़ाने में वृद्धि की है। WRI का संशोधन न्यूनतम मजदूरी और अन्य सहित राष्ट्रीय फ्लोज मजदूरी निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शहर के अनुसार या उस स्थान विशेष के अनुसार, नीड्स के अनुसार इसने क्या किया, जो मजदूरी है उसको संशोधित न्यूनतम मजदूरी को अपग्रेड करने में ये हेल्प करता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय फ्लोर मजदूरी निर्धारण कहते हैं। ठीक है, जो धरातली मजदूरी होती है उसको निर्धारण करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। नई WRI श्रृंखला, तो नई WRI श्रृंखला को वर्ष में दो बार, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जनवरी और प्रत्येक वर्ष जुलाई को संकलित किया जाता है। व्यावसायिक वेतन सर्वेक्षण 7वें वेतन के दौरान परिणामों में आई नई WRI श्रृंखला में भार और आरेख तैयार किया जाता है, और WRI में टोकरी में 1963-65 श्रृंखला में 21 औद्योगिक वस्तुओं के विपरीत कुल 37 उद्योगों को शामिल किया गया।
लिस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए आपको यह बता दिया जाता है कि आपकी रियल परचेजिंग पावर को काउंट करने के लिए, आपकी वास्तविक परचेजिंग पावर को निकालने के लिए आपके 21 औद्योगिक वस्तुओं का पहले एक बास्केट बनाई जाती थी जिसकी संख्या बढ़ा करके 37 कर दिया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कमोडिटी फॉर योर लाइफ, और उसके आधार पर आपको इन कमोडिटी की परचेजिंग पावर है या नहीं उसके अवेलेबिलिटी के आधार पर इस इंडेक्स को चेंज किया जाता है या इसे अपग्रेड किया जाता है, ठीक है। नई WRI श्रृंखला में शामिल क्षेत्र हैं, नई श्रृंखला में चयनित 37 उद्योगों को वृक्षारोपण सहित 3 उद्योग, ठीक है, खनन क्षेत्र से 4 उद्योगों को और विनिर्माण क्षेत्र से 30 उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछली श्रृंखला में विनिर्माण क्षेत्र से 14 उद्योग, खनन से 4 और वृक्षारोपण क्षेत्र से 3 उद्योगों को शामिल किया गया था। तो इसके अंतर्गत कौन किस सेक्टर से कितना हमने इंडेक्स लिया है, वेटेज लिया, उनको इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका WRI पर हमने डिस्कस किया। अब मेरा एक नया टॉपिक है, भारत सरकार ने हाल ही के दिनों में एक योजना जारी किया है जिसे भारत गौरव योजना कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट तथ्य लग रहा था, मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस करने का ये प्लान बनाया। तो भारत गौरव स्कीम नाम से एक स्कीम चालू की गई है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो हमारी परंपरा है वो अक्षुण परंपरा है, और आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इनपुट कॉस्ट 0 होती है और आउटपुट कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। इनपुट कॉस्ट 0 होती है एंड आउटपुट अधिक मिलता है। तो टूरिज्म और भारत की विशाल संस्कृति को यदि हम लोगों तक पहुंचाएंगे अपने लोगों के बीच और साथ ही साथ विश्व के लोगों के बीच, तो शायद इकोनॉमी को एक नया बूस्ट प्रदान होगा, एक इकोनॉमी को एक नई चीजें प्रदान होगी और अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसलिए भारतीय रेलवे ने यह पहल उठाई है और भारतीय रेलवे ने 23 नवंबर 2021 को, ठीक है, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, ठीक है, भारत गौरव स्कीम नाम की एक नई योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेनों को ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद की किसी भी सर्किट में चला सकते हैं, ठीक है। आपके मन में फिर से आ गया कि सर आप कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन आप रेलवे तो नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत लीज व्यवस्था, लीज का मतलब होता है आप लीज पर ट्रेन को ले लीजिए, किराए पर ट्रेन को ले लीजिए और आप अपने मनपसंद स्थल पर उसको दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये एक अभी स्कीम हाल ही के दिनों में लॉन्च की गई है। अब इसके मेन पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है, मुख्य बिंदु, निजी ऑपरेटरों को भी ट्रेनों के रूट, किराए और सेवाओं की गुणवत्ता तय करने की आजादी मिलेगी। यानी अब प्राइवेट व्यक्ति भी इसको डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि अभी तक लोग कहते थे कि गवर्नमेंट ये नहीं करती वो नहीं करती, तो अब प्राइवेट को ये पावर दी गई है कि नहीं, आप ट्रेन का रूट डिटरमाइन कर सकते हैं, किराया डिटरमाइन कर सकते हैं और गुणवत्ता क्या क्या क्वालिटी चाहिए वो उसको भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। आप ट्रेन को लीज पे लीजिए और उसको आप ऑपरेट कराइए। इस उद्देश्य के लिए रेलवे ने 3033, ठीक है, 3033 ICF कोच रखे हैं जो लगभग 150 ट्रेनों के बराबर हैं, ठीक है। ट्रस्ट, सोसाइटी, कंसोर्टियन और यहां तक कि राज्य सरकारों सहित कोई भी व्यक्ति इन ट्रेनों को लीज पर लेने और उन्हें विशेष थीम पर आधारित पर्यटन सर्किट पर चलाने का आवेदन कर सकती है, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि हम राजस्थान में इस विशेष स्थान पर चला सकते ट्रेन चलाना चाहते हैं, तो आप उस थीम पर आधारित ट्रेन को चलाने के लिए फ्री हो, ठीक है। थीम आधारित पैटर्न, अर्थात आप थीम के आधारित पर इस पैटर्न को प्रमोट कर सकते हैं। तो जैसे थीम आधारित पैटर्न सर्किट का अर्थ है ट्रेन जैसे गुरु कृपा जो गुरु नानक से जुड़े सभी स्थानों पर जाती है, ठीक है, ये थीम आधारित ट्रेन है, ठीक है। गुरु कृपा नाम से एक ट्रेन चलाई जा रही है जो गुरु नानक जी का जहां जहां पे आपका थीम पैटर्न है भारत में वहां वहां ये ट्रेन लेकर के आपको जाएगी। जैसे रामायण थीम वाली ट्रेन है तो रामायण थीम की ट्रेन क्या करेगी, जहां जहां भगवान राम से जुड़े स्थान है उन स्थानों पर ये लेकर के जाएगी। तो इस प्रकार थीम आधारित पैटर्न को भारत सरकार प्रमोट कर रहा है ताकि इकोनॉमी सेक्ट में
जो पर्यटन सेक्टर है, आपको मैं फिर से बता दूं, पर्यटन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इनपुट कॉस्ट जीरो होती है। आप कोई अन्य काम करेंगे उस पर इनपुट कॉस्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन पर्यटन सेक्टर में आप देखोगे इनपुट कॉस्ट नियर अबाउट जीरो, मैं जीरो तो नहीं कह सकता बट नियर अबाउट जीरो है, एंड सारा का सारा लगभग आउटपुट आपको आउटपुट क्या बेनिफिट के रूप में मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट प्रदान करने के लिए इस प्रकार की पहल से जुड़ने जा रही है और इस प्रकार की पहल को सामने ला रही है कि प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति और हमारे तीर्थ स्थल, हमारे गौरव को हम लोग जान सके। कोई भी इच्छुक पार्टी 1,00,000 रुपए के एक मुफ्त शुल्क के साथ पंजीकरण करके ट्रेन को पट्टे पर या लीज पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ठीक है, ये व्यवस्था 2 से 10 साल तक के लिए की जा सकती है, यानी आप 2 साल के लिए ट्रेन या 10 साल के लिए ट्रेन लीज पे ले सकते हो। ऑपरेटरों को प्रति रेक 1,00,000 रुपए की सुरक्षा राशि देनी होगी। प्रत्येक ट्रेन का आकार 2 गार्ड वैन सहित 14 से 20 कोच का होगा। रेलवे सिर्फ ढुलाई शुल्क और उपयोग का अधिकार शुल्क देखेगा। ठीक है, तो ढुलाई शुल्क या उपयोग का अधिकार शुल्क की आप उसका उपयोग प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पर इसको चेक किया जाएगा। इस योजना के पैरामीटर्स क्या हैं? भारत गौरव योजना के मापदंड के ऑपरेटर को दर्शनीय स्थल, यात्रा, स्थानीय टैक्सी या परिवहन जिसको आप कह सकते हो आदि, भोजन, आपका जहाज पर मनोरंजन, स्टॉप ओवर स्थानों पर होटल आदि की पेशकश करनी होगी। ठीक है, ऑपरेटरों के लिए विशेष इकाइयां, ऑपरेटर को सुविधा प्रदान करने, उन्हें संभालने के लिए रेलवे सभी क्षेत्रों में विशेष इकाइयां स्थापित करेगा। रेलवे ने एसी ट्रेन के अंदर बाहर ब्रांडिंग और विज्ञापन की भी अनुमति दी है ताकि रेलवे को एडिशनल इनकम जनरेट किया जा सके और रेलवे को भी और अधिक प्रॉफिट की कैटेगरी में लाया जा सके। भारतीय रेलवे ने जो 23 नवंबर 2021 को भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना शुरू की थी, ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या था, लीज पर हम लोग ट्रेन को ले सकते हैं और उसके आधार पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद जो सितंबर 2021 में 2 साल की अवधि के लिए डॉक्टर विवेक देव राय के नेतृत्व में ईएसी पीएम का गठन किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, आपको पता होगा इसके पहले कि जब भी कोई प्लानिंग बनती थी तो पहले क्या होता है, प्लानिंग कमीशन में जिसे नीति आयोग कहते हैं, नीति आयोग में प्लानिंग कमीशन में कोई नीतियां बनती थी और उसके बाद आर्थिक सलाहकार परिषद के पास वो रिपोर्ट जाती थी। ठीक है, जो आपको कहते हैं विकास परिषद, आपने नाम डेवलपमेंट काउंसिल क्या नाम कहते हैं, और जो राज्य के मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते उनके पास जाती थी, तो उसी प्रकार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का निर्माण किया गया जो 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। डॉक्टर विवेक देव राय के नेतृत्व में इसे गठन किया गया हाल ही के दिनों में ताकि इकोनॉमी को एक नई दिशा तथा ठीक है इकोनॉमी को एक नया बूस्ट प्रदान किया जा सके, इसलिए इसे बनाया गया। ये एक स्वतंत्र संगठन होगा, गैर संवैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, ये पीएम को एडवाइज करने के लिए इस प्रकार की संस्था का निर्माण किया गया है। ठीक है, ईएसी पीएम भारत सरकार के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दे, ठीक है, प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है। ठीक है, ये निकाय प्रधानमंत्री को सूक्ष्म वित्त, मुद्रा स्फीति और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सलाह देगी। तो ये अभी हाल ही के दिनों में इसको एस्टेब्लिश किया गया है और इसका उद्देश्य एकमात्र है ताकि प्रधानमंत्री को जो माइक्रो फाइनेंस है, सूक्ष्म वित्त है या मुद्रा स्फीति, क्योंकि मुद्रा स्फीति इकोनॉमी के लिए काफ़ी बुरी हो सकती है, और इसके लिए वो क्या करते हैं गवर्नमेंट को एडवाइज करेंगे। औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बात की जाएगी। इस प्रकार के कई इकोनॉमिक मुद्दों को इसके अंतर्गत ठीक है हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और जिसके आधार पर ये देश में जो प्रधानमंत्री जी है इसके लिए अलग से क्या हो जाएगा, जो प्रमुख मुद्दे हैं इस कमेटी के माध्यम से सामने सॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ईएसी पीएम की जो नोडल एजेंसी है,
पीएम की जो नोडल एजेंसी है, नीति आयोग, प्रशासनिक योजना, लॉजिस्टिक, बजट उद्देश्यों के लिए ईएससी पीएम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, अर्थात नीति आयोग को एडवाइज करने के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है कि ईएससी पीएम की जो नोडल एजेंसी होगी यह नीति आयोग प्रशासनिक योजना लॉजिस्टिक बजट उद्देश्य, यहां पर बजट उद्देश्य को भी इसमें शामिल किया गया है, ईएससी पीएम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अर्थात इन सारे सेक्टर्स को एडवाइज करने के लिए जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है और ये प्रधानमंत्री को स्पेशली अलग से क्या करेगा, एडवाइज करेगा, और जिसका कार्यकाल केवल 2 साल का होगा, 2 साल के बाद इसे भंग कर दिया जाएगा और एक नई कमेटी गठित की जाएगी जिसमें नए अर्थशास्त्री होंगे। तो इस प्रकार एक प्रकार से प्रधानमंत्री को एक अच्छी सलाहकार परिषद मिल जाएगी जिस पे वो कोई भी डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकेंगे। ठीक है, ईएसी पीएम का कार्य क्या होगा, प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किसी भी मुद्दे आर्थिक या किसी अन्य का इसके अंतर्गत विश्लेषण करेगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो नेशनल लेवल का मुद्दा हो या इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा हो उसको हम इसके साथ डिस्कस करेंगे और उन पर एडवाइज करेगी। ठीक है, जैसे आपने देखा कि नोटबंदी अभी हाल ही के दिनों में हुई, और जब नोटबंदी हुई तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लोगों को पहले बात तो एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि आखिर नोटबंदी क्यों किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये नहीं समझ में आई कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नोटबंदी से काफ़ी हमारे पास ब्लैक मनी आ जाएगी, तो इस प्रकार की जो आपकी ईएसी कमेटी होगी, इस प्रकार कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट को और अच्छा एडवाइज कर सकेंगी, ताकि जो लोगों को असुविधा हो रही है या लोगों को जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। तो यह सलाह देने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। यह व्यापक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करती है, व्यापक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करती है, यानी जो वाइड रेंज के हैं, जो इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट डालेंगे उन पर यह एडवाइज करेगी, प्रधानमंत्री को विचार प्रस्तुत करती है। ठीक है, कि आपको भविष्य के लिए क्या करना है। तो ये हमारे पास मेन टॉपिक्स था, आपके करंट में मैंने कुछ मुद्दे आपके साथ डिस्कस किए, क्योंकि आज से मैं करंट आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, बस अब एक प्रश्न आपका है कि जो आपके पास ब्लैक मनी, आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में नोटबंदी जब आपके पास हुई, तो नोटबंदी को आप कहां तक उचित या अनुचित मान रहे, इस पर मुझे थोड़ा सा आपका राय जानना, आपके विचार जानने नोटबंदी पर कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो आप नोटबंदी पर जरूर अपने विचार को मुझे मेरे साथ